वेलकम बैक. सो स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट 5 ऑफ योर जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस दैट केम इन योर सीएचएसएल एग्जाम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आई हैव टेकन 15 टू 17 क्वेश्चंस इन दिस वीडियो. ऑल आर वेरी यूजफुल. ठीक है, एक पार्ट के काफी सब पार्ट्स जो हैं वो भी मैंने लिए हैं. चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम शुरू करते हैं. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स. ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स किस स्टेट के पास हैं, तो ये है आपका आंसर उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश के पास मैक्सिमम लोकसभा सीट्स हैं और 80 सीट्स हैं आपके टोटल. ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपकी कि लोकसभा में मेंबर्स कितने होते हैं. पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल स्ट्रेंथ जो है लोकसभा की वो है आपकी 552 मेंबर्स की, जिसमें 530 मेंबर्स जो हैं वो आपके स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, 20 मेंबर्स रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरीज, एंड जो दो मेंबर्स हैं, टू मेंबर्स जो बचे हैं, दीज आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट. इनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है और ये कहाँ से होते हैं, आपकी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से. ओके, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका कि जो ये दो एंग्लो इंडियंस होते हैं इनको कौन नॉमिनेट करता है, तो योर प्रेसिडेंट अपॉइंट्स दीज टू मेंबर्स फ्रॉम बिलोंगिंग फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. एंड इफ दे आस्क यू अबाउट द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज 552. ठीक है, द प्रेजेंट स्ट्रेंथ इज 545. जो अभी प्रेजेंट स्ट्रेंथ है आपकी लोकसभा की वो है आपकी 545. ओके, और डिस्कस करते हैं आपकी लोकसभा के बारे में थोड़ा सा. जो लोकसभा है इसके मेंबर्स जो आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरीके से इलेक्ट होके आते हैं, कौन इनको इलेक्ट करता है, तो ये जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं इसको हम लोग ही इलेक्ट करते हैं. ठीक है, ये जो हम वोटिंग करने जाते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो होती है आपकी, हम वोटिंग करते हैं, ये इस हमारे द्वारा चुने हुए जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो विन करता है वो लोकसभा में जाता है. ओके, बाकी स्ट्रेंथ मैंने आपको बता दी है मैक्सिमम कितनी है, और इसका आपसे टाइम पीरियड पूछा जा सकता है. देखिए, लोकसभा का आपसे टाइम पीरियड पूछा जा सकता है, तो ये है आपका 5 ईयर्स. 5 साल होता है अनलेस डिसॉल्व, मतलब अगर किसी सर्कमस्टांस की वजह से आपकी लोकसभा जो है डिसॉल्व हो जाए तो 5 ईयर्स से पहले हो सकती है, अदरवाइज जो मैक्सिमम टर्म पीरियड है इसका वो होता है 5 ईयर्स, और उसके बाद री इलेक्शन होते हैं. कुछ स्टेट्स के बारे में हम और डिस्कस करते हैं. जैसे आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये तो सिर्फ ये था कि कौन सी स्टेट के पास मैक्सिमम सीट्स हैं, आपसे ये भी पूछा जा सकता है किसी भी स्टेट का, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेट का. जैसे आंध्र प्रदेश है आपकी, ठीक है, आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट जो है आपकी 25 है, जिसमें से 4 सीट जो है शेड्यूल कास्ट के लिए और 1 शेड्यूल ट्राइब के बिलोंग करती है. अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में आपकी सीट्स जो है वो है 2 सीट्स, कम सीट्स हैं, 2 ही सीट्स हैं अरुणाचल प्रदेश में. चंडीगढ़ की भी इसी तरीके से 2 सीट्स हैं आपकी. फिर आपकी बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ की. छत्तीसगढ़ की आपकी टोटल 11 सीट्स हैं, जिसमें 1 शेड्यूल कास्ट और 4 शेड्यूल ट्राइब हैं. देन कम्स गोवा. गोवा की आपकी 2 सीट्स हैं, 2 सीट्स लोकसभा में. गुजरात, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए. गुजरात में आपकी 26 सीट्स हैं, 26 में 2 जो है ये शेड्यूल कास्ट की हैं और 4 जो है ये है आपकी शेड्यूल ट्राइब की. ठीक है, देन कम्स योर हरियाणा, जहां पर आप लोग रहते हो, कुछ मतलब मैं जहाँ रहती हूँ बेसिकली, तो हरियाणा में जो है आपकी ये 10 सीट्स हैं. हरियाणा में 10 सीट्स हैं आपकी लोकसभा की, और 10 में से 2 शेड्यूल कास्ट की हैं, शेड्यूल ट्राइब की अभी कोई है नहीं. कर्नाटका की बात करते हैं, तो कर्नाटका भी एक बड़ा स्टेट है, तो कर्नाटका की आपकी 28 सीट्स हैं, जिसमें 5 शेड्यूल कास्ट 2 शेड्यूल ट्राइब की हैं. देन कम्स केरला. केरला की 20 सीट्स हैं. झारखंड, झारखंड की 14 है. हिमाचल की 4 सीट्स हैं. बिहार में बहुत ज्यादा सीट्स हैं जो कि हैं 40. ठीक है, बिहार की सीट्स आपको याद करनी है, 40 सीट्स बिहार की हैं. एमपी जो है मध्य प्रदेश में 29 सीट्स हैं. असम में 14 है. महाराष्ट्र आपको याद करना है, 48 सीट्स महाराष्ट्र की हैं. बिहार की 40 सीट्स हैं. यूपी की 80 सीट्स हैं. ये 3 आपको स्टेट्स याद होने चाहिए. ठीक है, फिर आपके उत्तराखंड है. उत्तराखंड की 5 सीट्स हैं लोकसभा में. वेस्ट बंगाल की 42 सीट्स हैं. वेस्ट बंगाल भी आप याद कीजिए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और यूपी, ये आपको याद होना चाहिए. बाकी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की सीट्स भी पूछी गई हैं आपसे, तो राजस्थान की 25 सीट्स हैं, बहुत बड़ा एरिया वाइज, लेकिन है सिर्फ 25 सीट लोकसभा में.
की सिर्फ 13 सीट्स हैं, उड़ीसा की 21 सीट्स हैं, तेलंगाना जो अभी 2014 में बना है आपको उसकी 17 सीट्स हैं, ठीक है। अभी 2014 में ये आपके आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, 14 सीट्स इसकी हैं। अंडमान है, निकोबार, अब आपसे यूटीज की सीट्स पूछ सकते हैं, तो अंडमान है निकोबार की 1 सीट है, चंडीगढ़ की 1 सीट, दादर एंड नागर हवेली की 2 सीट्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर की 5, और इम्पोर्टेंट है आपका दिल्ली, एनसीटी ऑफ दिल्ली, इसकी कितनी है, ये है आपकी 7 सीट्स, और पुडुचेरी की 1 सीट। तो आई होप लोकसभा और मैक्सिमम सीट्स मैंने सारी आपको बता दी हैं, इम्पोर्टेंट जो आपको याद रखनी है वो मैंने आपको 4-5 स्टेट्स बता दी हैं और दिल्ली, ठीक है, और प्लस यूनियन टेरिटरीज की भी आप याद रखें, यूनियन टेरिटरीज की सबकी एक एक ही सीट है, चंडीगढ़ 1 है, दादर एंड नागर 2 है, JNK 5, NCT ऑफ दिल्ली 7, पुडुचेरी 1, तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे, इन विच ईयर तेलंगाना स्टेट वॉज फॉर्म्ड। अगर आपने मेरी पुराना पार्ट देखा होगा, पार्ट 2 या पार्ट 3 या 4 में आपको ये मिलेगा, तेलंगाना के बारे में मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है, तो उसमें आपसे ये पूछा गया था कि कौन सा स्टेट है जो 2014 में बना था आंध्र प्रदेश से अलग होके, तो वो तेलंगाना था। अब इसकी देखो इसमें, अब मैंने वहां पर जब आपको सारी डिटेल्स बताई थी तो आपसे बोला गया था, तब भी मैं आपको बता रही थी कि इस क्वेश्चन में से मैंने इतने सारे क्वेश्चन बना दिए, तो आगे क्वेश्चन आ सकता है, तो एक शिफ्ट में वो आ गया और एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया कब बना, तो ये 2 जून 2014 में जो है तेलंगाना बना था। अब कुछ डिस्कस करते हैं तेलंगाना के बारे में, कहाँ सिचुएटेड है तेलंगाना, है आपका साउथ सेंट्रल स्ट्रेच ऑफ इंडियन पेनिनसुला, ठीक है, और ये कहाँ पर है, डेक्कन प्लेटू के ऊपर सिचुएटेड है। यहाँ पर आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 12th लार्जेस्ट स्टेट है और 12th मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट भी है, ठीक है, 12th मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट भी है। 2 जून 2014 में जो एरिया था नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, अब आंध्र प्रदेश का भी कौन सा एरिया, नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो आंध्र प्रदेश का था उसको सेपरेट होके बना दिया गया तेलंगाना, और इसकी कैपिटल तेलंगाना की क्या है, इसकी कैपिटल है आपकी हैदराबाद, जो कि हिस्टोरिक परमानेंट कैपिटल है, ठीक है। बाकी आपसे मेजर सिटीज पूछी जा सकती हैं तेलंगाना में, वारंगल, निजामबाद, खामम, करीम नगर, ये सब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। बाकी आपको पता होना चाहिए कि जो तेलंगाना है ये किस किस का जो है, कौन कौन से स्टेट्स इसको घेरे हुए हैं, तो तेलंगाना को देखो, एक तो स्टेट महाराष्ट्र नॉर्थ में, छत्तीसगढ़ ईस्ट में, कर्नाटका वेस्ट में, और आंध्र प्रदेश ईस्ट एंड साउथ में, ये सब जो है तेलंगाना को क्या कर रहे हैं, बॉर्डर करा हुआ है तेलंगाना के आसपास। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, हु वन द सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी ऑफ ईयर 2019। अब ये जो गारफील्ड सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी है ये किस लिए दी जाती है, देखिए ये बेसिकली क्रिकेट के फील्ड में दी जाती है, एंड इट्स अ क्रिकेट ट्रॉफी गिवन इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट, और ये जो है एनुअली हर साल आईसीसी द्वारा जो है ये ट्रॉफी दी जाती है। किसको दी जाती है, जो वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर होता है उसको हर साल ये ट्रॉफी दी जाती है। तो इस साल जो 2019 2020 में किसी को नहीं मिला, 2019 में जो ये ट्रॉफी मिली थी ये मिली थी आपकी बेन स्टॉक्स को, जो इंग्लैंड के हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली बार जो है कब ये ट्रॉफी दी गई थी, तो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी वॉज गिवन इन 2004, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2004, और किसको दी गई थी, इट वॉज गिवन टू राहुल द्रविड़ सर, ठीक है। बाकी पूछा जा सकता है कि ये वाली जो ट्रॉफी है किस किस को मिली है, अब जैसे आपके पता है कि रीजनिंग में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड आते हैं, तो हो सकता है ये सारे नाम दे दें और एक अलग नाम दे दें, तो आपको ऑड वन आउट चूज करने के लिए दे दें, तो इसमें क्या है गारफील्ड जो, और किसको मिले, रिकी पॉन्टिंग, माइकल जॉनसन, देन आपसे ये भी लिखा जा सकता है ऑप्शन में कि विराट कोहली को, ठीक है, विराट कोहली को भी ये ट्रॉफी मिल चुकी है 2 बार, देन सचिन तेंदुलकर जो सबसे पुराने हैं, सचिन तेंदुलकर को ये काफी बार मिली है, 37 टाइम। यंगेस्ट विनर जो है स्टीव स्मिथ, यंगेस्ट विनर आपसे पूछा जा सकता है कौन है इसके, ये हैं आपके स्टीव स्मिथ, कितनी बार, 26, ठीक है। माइकल जॉनसन, विराट कोहली, इन सबको मिली हुई है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, हु इज द आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019। जैसे हमने पिछली गारफील्ड पढ़ी थी, इसी तरीके से आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ट्रॉफी भी मिलती है, और ये किसको मिलती है, जिसने सबसे अच्छा खेला होता है,
2019 में ये रोहित शर्मा को मिली थी, ठीक है, विराट कोहली नहीं लगा के आना, विराट कोहली को भी मिला था, पर लेकिन विराट कोहली को मिली थी आपकी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट ट्रॉफी, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट ट्रॉफी, ठीक है, याद रखना है ये आपको। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड इन विच हाउस। इम्पीचमेंट मतलब होता है कि प्रेसिडेंट को उसकी पोजीशन पे से हटाना, ठीक है, मान लो कोई भी चीज उसने वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं करी तो उसका इम्पीचमेंट किया जाएगा, ठीक है। एक फॉर्मल टर्म जो हम यूज करते हैं प्रेसिडेंट को उसके ऑफिस से हटाने के लिए, बेसिकली हम कहते हैं ना टर्मिनेट कर दिया किसी को या जॉब से निकाल दिया, सिमिलरली इम्पीचमेंट वर्ड हम प्रेसिडेंट के लिए यूज करते हैं। अब क्या पूछा गया है कि कौन से स्टेट, कौन से हाउस में, आपको पता है दो ही हाउस होते हैं, कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के हमने पिछली बार पढ़ा था अभी दो तीन क्वेश्चंस पहले, और होता है आपका राज्यसभा। इन दो हाउस में से किस में इनिशिएट की जाती है, तो कोई भी हाउस जो है ये मोशन जो है पास कर सकता है इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, ठीक है। थोड़ी सी अब आपको इसमें डिटेल में बता देती हूँ प्रेसिडेंट के बारे में जो आपको जाननी जरूरी है, और कभी भी क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है। फर्स्ट थिंग जो प्रेसिडेंट है आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है हु इज कमांडर इन चीफ, या फिर सेरिमोनियल हेड स्टेट का कौन होता है, तो प्रेसिडेंट आपका सबसे पहली चीज याद रखो कमांडर इन चीफ होता है। सेकेंड थिंग सेरिमोनियल, सेरिमोनियल कोई भी सेरेमनी होगी तो इसमें प्रेसिडेंट ही आपका वोट देगा, ठीक है। सेरिमोनियल हेड ऑफ स्टेट भी जो है आपके प्रेसिडेंट होते हैं। नेक्स्ट थिंग कम्स कि आपका जो इम्पीचमेंट होता है प्रेसिडेंट का वो किस तरीके से होता है, देखो और क्यों होता है पहले ये बात करते हैं। होता इसलिए है कि बाय चांस आपके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कोई रूल है जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, कोई भी एक चीज है वो वॉयलेट कर दी, ठीक है, तो क्या होता है, हमने देख लिया कि वो उसके हिसाब से नहीं चल रहे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, या फिर कोई ऐसी चीज है जो उनके अगेंस्ट मिली है, तो क्या होगा, दोनों हाउस में से किसी में भी एक हाउस में ये प्रोसेस को इनिशिएट किया जाएगा, ठीक है, कि इम्पीचमेंट के लिए एक प्रस्ताव पास किया जाएगा कि भाई हाँ कि हम लोगों को, हम अपने प्रेसिडेंट से वो नहीं है, खुश नहीं है, तो हम इनको हटाना चाहेंगे, ठीक है। अब किसके तहत आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो इम्पीचमेंट होती है प्रेसिडेंट की वो किसके तहत लगती है, तो आपको बताऊं कि जब एक एक्ट होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट दी 1951, ये जो है सुप्रीम कोर्ट को, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को ये राइट देता है कि प्रेसिडेंट को ये अपनी पोजीशन से हटा सकता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये आपको याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या होगा, जिस भी हाउस ने एलिगेशन लगाई है, ठीक है, ये रेजोल्यूशन की, भाई ये रेजोल्यूशन पास करवाने की, तो उस हाउस में, जिस हाउस से भी पास होगा ये, सबसे पहली चीज मान लो लोकसभा में ही ये इनिशिएट किया गया है कि भाई प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है, हटाना है, तो 2/3 जो है मेजोरिटी वहां की वो सहमत होनी चाहिए इससे, तभी आगे वो पास होगा, ठीक है। इस जब ये पास फिर 2/3 जब मेजोरिटी से ये पास हो जाएगा, फिर ये सेकेंड हाउस में जाएगा, दूसरे हाउस में जाएगा। अब इसी दौरान जो है मान लो लोकसभा या राज्यसभा में जाने के दौरान ही जो प्रेसिडेंट है उसके पास पूरा पूरा राइट होता है कि वो अपने आप को डिपेंड कर सके, ठीक है, एक ऑथोराइज्ड काउंसिल जो होती है वो बिठा के, एक अच्छी बैठक बिठा के वो अपने आप को उस बैठक में जो है डिपेंड कर सकता है, ठीक है। व्हाट हैपेंस देन कि मान लो उसने डिपेंड कर दिया तो इट्स ओके, फिर एक अलग प्रोसेस चलेगा उसके ऊपर, लेकिन वो नहीं कर पाए, फिर क्या होगा, जब दूसरी हाउस में, ठीक है, ये बिल जाएगा, आई एम सॉरी, जब ये प्रस्ताव दूसरे हाउस में जाएगा तो वहां पर भी स्पेशल मेजोरिटी से इसका पास होना जरूरी है, उसमें भी स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, तभी जो है प्रेसिडेंट के ऊपर ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस लगाया जाएगा। ओके, आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा आपको, इम्पीचमेंट और कैसे कैसे, थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ दे दिया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन नेशन। ये तो सभी को पता है कि महात्मा गांधी जी जो हैं, ही इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन नेशन। अब इनको फादर ऑफ इंडियन नेशन ये किसने बोला था, तो
ये बात तब की है जब महात्मा गांधी को ये टाइटल पहली बात है आपसे ये पूछा जा सकता है, हु गेव द टाइटल ऑफ फादर ऑफ इंडियन नेशन टू महात्मा गांधी? तो सुभाष चंद्र बोस, आपको याद रखना है ये, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है ये टाइटल महात्मा गांधी को दिया था, ठीक है? अब ये कब दिया था सुभाष चंद्र बोस ने? ये टाइटल मिला था महात्मा गांधी जी को 4 जून 1994, 4 जून 1994 में ये टाइटल जो है महात्मा गांधी जी को दिया गया था। अब हुआ क्या था ना, आई एम सॉरी 1944, ठीक है, 4 जून 1944 में अब हुआ क्या था कि जब महात्मा गांधी जी की जो वाइफ है कस्तूरबा गांधी जी, वो जेल में उनका देहांत हो गया था, ठीक है? तो जेल में देहांत होने के बाद में जो नेताजी हैं सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उन्होंने महात्मा गांधी जी को एक कॉन्डोलेंस मैसेज जो होता है बेसिकली भाई एक शोक प्रकट करने के लिए, या फिर उनको इस कॉन्डोलेंस देते हैं ना, हम कोई मर जाते हैं तो कॉन्डोलेंस दी जाती है, तो एक कॉन्डोलेंस मैसेज भेजा। कैसे? एक आजाद हिंद रेडियो है तो उसमें रंगून, उसके थ्रू जो है महात्मा गांधी जी तक सुभाष चंद्र बोस जी ने मैसेज पहुंचाया, कॉन्डोलेंस मैसेज, जब कस्तूरबा गांधी जी ये जेल में ही जो है एक्सपायर हो गई थी किसी कारण, आंदोलन में ही जेल में बंद थी और वहीं पर जो है एक्सपायर हो गई थी, तब भेजा गया था। अब वो मैसेज में क्या लिखते हैं देखिए, अब आपको मैंने ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ये, फिर भी मैंने यहाँ पर कर लिया कि कुछ बच्चों का डाउट हो यार कौन सा मैसेज, तो ये मैसेज था उनका पूरा, नोबडी वुड बी मोर हैप्पी देन आर सेल्स इफ बाय एनी चांस आर कंट्री मैन एट होम शुड सक्सीड इन लिबरेटिंग देमसेल्व्स थ्रू योर ओन एफर्ट्स और बाय चांस द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट्स योर क्विट इंडिया रेजोल्यूशन एंड गिव्स इफेक्ट टू इट। ठीक है, इंग्लिश समझ आ गई होगी। वी आर हाउ एवर प्रोसीडिंग ऑन द अजम्पशन दैट नीदर ऑफ द अबव इज पॉसिबल एंड दैट अ स्ट्रगल इज इनएविटेबल। फिर नीचे उन्होंने लिखा, फादर ऑफ आर नेशन इन दिस होली वॉर ऑफ फॉर इंडियन लिबरेशन वी आस्क फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड गुड विशेस। तो ये फादर ऑफ आर नेशन, ठीक है, ये किसके लिए, उन्होंने किसको संबोधित किया है यहाँ पर, महात्मा गांधी जी को यहाँ पर संबोधित किया गया है इस लाइन में, वो उनकी ब्लेसिंग सीक कर रहे हैं और ठीक है, और उनके गुड विशेस। आई होप ये आपको समझ आएगा। अब आपसे ये बोला जाएगा फादर ऑफ इंडियन नेशन है ये, आप ये मत सोच रहे कि फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ इंडियन नेशन, ठीक है? अब फादर ऑफ नेशन और मदर ऑफ नेशन ना, ये बहुत लोगों को टाइटल मिलता है, जो भी कोई नेशन के लिए कुछ अच्छा काम करता है, जिसके थ्रू कुछ एक क्रांति आती है नेशन में और नेशन को जो है फायदा मिलता है, तो उसी को जो ये है उससे नवाजा जाता है, ठीक है? अब ये जो है आपके कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं दिया गया, और ऑफिशियली जो है फादर ऑफ नेशन है कहीं भी नहीं लिखा गया कि महात्मा गांधी जी को ऑफिशियली बोलते हैं, बट इनका नाम वैसे रखा हुआ है, ठीक है? तो ऑफिशियल उसमें रिकॉर्ड्स में नहीं है ये कहीं भी कि इनको ऑफिशियली बोला गया है ये। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, हु इज द टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर? टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर जो है, देखो ये भी जो है उसको उस इंसान को मिलता है जो कुछ चेंज लेके आता है हमारी सोसाइटी में, ठीक है? तो 2019 में ये मिला था ग्रेटा थनबर्ग को, ये एक जो है टीनेजर गर्ल है, उनको मिला था ग्रेटा थनबर्ग को। पढ़िएगा इनके बारे में, अच्छी स्टोरी है किससे मिला था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। Who was the Prime Minister of Britain in July 1974? 1974 में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे आपके क्लीमेंट एटली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लीमेंट एटली। सेम अगर आपसे पूछा जाए 1947 में इंडिया के पीएम कौन थे, तो इंडिया के पीएम थे आपके जे एल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू। ओके, देन कुछ प्रेसिडेंट्स की लिस्ट और सुन लीजिए, जैसे गुलजारीलाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, ये सब आपको लर्न होने चाहिए कि हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर्स कौन कौन रहे हैं, बिकॉज जब आपके रीजनिंग में क्वेश्चन आता है इसमें से आपको ऑड वन आउट फाइंड करने को भी दे सकते हैं, ठीक है? तीन प्रेसिडेंट के नाम दे देंगे, एक प्राइम मिनिस्टर के, तीन प्राइम मिनिस्टर एक प्रेसिडेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे प्रेसिडेंट्स कौन थे और प्राइम मिनिस्टर कौन थे। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। आर्टिकल 156 के बारे में बोला गया था कि आर्टिकल 156, और उसमें तीन चार आपको ऑप्शंस दिए हुए थे, आपको बताना था कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन इज टर्म ऑफ ऑफिस, टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर, या आर्टिकल 156 जो है ये गवर्नर की ऑफिस की टर्म को बताता है, जो कि 5 साल है, ठीक है? डिस्कस करते हैं कि आर्टिकल 156 में लिखा क्या है।
ये है आपका कि जो गवर्नर है, ठीक है, ये टर्म के बारे में बताया गया है। और क्या लिखा गया है कि गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर्स, मतलब कि जो गवर्नर है आपका, जब से वो अपने ऑफिस को होल्ड करता है उससे लेकर 5 साल तक, ठीक है, फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर्स वो उस ऑफिस को सर्व करेगा, उस पोस्ट को सर्व करेगा, अंटिल एंड अनलेस कोई उसके उसमें कुछ वो ना हो जाए कि उसको निकालने का इस तरीके का प्रोसेस ना हो जाए, ठीक है। सेकेंड थिंग आपसे बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो आपका गवर्नर है, आप बताओ मुझे ये रेजिग्नेशन किसको देता है, रेजिग्नेशन किसको देता है ये? तो गवर्नर की जो रेजिग्नेशन जाती है वो जाती है प्रेसिडेंट को, ठीक है। गवर्नर रिजाइन देगा प्रेसिडेंट को, और किस तरीके से, एक रिटर्न डेक्लेरेशन, रिटर्न डेक्लेरेशन देगा वो प्रेसिडेंट को, अगर वो रिजाइन करना चाहता है अपने ऑफिस से। और क्या है ये 156, और क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो गवर्नर है ही शेल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब जब प्रेसिडेंट कहेगा प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ही ये ऑफिस होल्ड करेगा आवर गवर्नर, ठीक है। देन आर्टिकल 157, देखो 156, 157 और 158, ये याद रखने हैं आपको, ये तीनों जो आर्टिकल्स हैं ये किसके लिए, आपके गवर्नर के लिए, ठीक है, ये तीनों आर्टिकल्स आपके गवर्नर के लिए होते हैं। और जो आपका आर्टिकल 157 है वो योर आर्टिकल 157 सेज अबाउट दी टेल्स अबाउट द क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशन कि भाई गवर्नर के लिए अपॉइंट करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए होती है, तो 157 आर्टिकल उससे डील करता है। और आर्टिकल 158 जो है आपका ये डील करता है आपका कंडीशन ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, ठीक है, गवर्नर के ऑफिस की कंडीशन से ये डील करता है कि क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए अगर वो ऑफिस में है, तो क्या क्या होनी चाहिए कंडीशन, वो किस कंडीशन में उसको रहना है, किस तरीके से काम करना है, वो आर्टिकल 158 बताता है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए 157, और 156 बताता है गवर्नर की टर्म, ठीक है, कितना टर्म, 5 साल के लिए वो ऑफिस होल्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है करते क्या है, ये एक एंटी टेररिज्म ग्रुप है, ठीक है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड है या ग्रुप है। तो इसके तो जनरल हैं, डीजी डायरेक्टर जनरल वो हैं आपके अनूप कुमार मिश्रा, ओके, अनूप कुमार मिश्रा। देन आपसे पूछा जा सकता है कि इसके चीफ कौन है, न्यू चीफ जो बने हैं 2019 में, ये हैं आपके R20 के लिए आरसी तायल, ठीक है, आरसी तायल है इसके न्यू चीफ। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ड्रग्स आर यूज्ड फॉर पेन रिलीफ, उसमें आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए होंगे इसमें, तो ये जो एनल्जेसिक होते हैं ना इनको बोलते हैं हम पेन किलर्स, पेन किलर्स का दूसरा नाम ही एनल्जेसिक है, इसका मतलब है रिड्यूसिंग द पेन, तो पेन रिलीफ के लिए आपके एनल्जेसिक ड्रग्स लिए जाते हैं। व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है ये अनाउंस कब किया गया था, ये किया गया था आपका 1905 में, किसके रिस्पांस में, एक स्वदेशी मूवमेंट चलाई थी आपकी कांग्रेस ने उसके बिहाफ पे, उसके रिस्पांस में जो है ये 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनाउंस किया गया। और ये बंगाल अनाउंस किसने किया, किसने क्या कराया इसे, इट वॉज कैरिड बाय ब्रिटिश वाइस रॉय ऑफ इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश वाइस रॉय ऑफ इंडिया ने इसको कैरी किया। और उस टाइम कौन थे ब्रिटिश वाइसरॉय, आपसे ये पूछा जा सकता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल पहली चीज 1905 में हुआ, सेकंड थिंग आपसे पूछी जा सकती है कि ब्रिटिश वाइसरॉय ने अगर ये कराया तो ब्रिटिश वाइसरॉय कौन थे उस टाइम, तो उस टाइम ब्रिटिश वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया, सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है। इससे पहले मैं आपको कहूंगी, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है माउंटेन्स पे, जिसमें मैंने ब्लॉक फोल्ड कौन से नए कौन से पुराने और पूरी जो है माउंटेन की मैंने हिस्ट्री आपको बताई है, आप जरूर उस वीडियो को देखना, काफी सारे आपके डाउट्स क्लियर होंगे, काफी अच्छी वीडियो बनाई है, ठीक है, तो उसमें से भी क्वेश्चंस काफी आएंगे तो आपको मिल जाएगी, नीचे आप माउंटेन्स में सर्च करोगे तो वो वीडियो जरूर देखना एक बार। चलिए तो ये आपसे पूछा ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, तो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है आपकी अरावली, देन यंग माउंटेन्स आपसे पूछा जा सकता है, अब ओल्डेस्ट पूछिए, यंग माउंटेन्स है आपकी हिमालयाज,
मैंने आपको वहां ये भी बताया कि जो हिमालयाज हैं इनको यंग क्यों बोला जाता है और ये अरावलीज ओल्डेस्ट क्यों है। प्लीज मैं फिर से बोलूंगी, वो वीडियो जरूर देखना, बहुत अच्छी वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो है बेसिकली, ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो आपके अरावलीज हैं, अरावली रेंज है, आपसे ये बोला जा सकता है कि ये किस तरीके के माउंटेन्स हैं। तो ये हैं आपके फोल्डेड माउंटेन्स, ठीक है, फोल्डेड माउंटेन्स हैं आपके अरावली रेंजेस जो हैं। और सिमिलरली हिमालयाज यंग फोल्ड माउंटेन्स है। अब इनको यंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनकी जो हाइट है ना, ये हर टाइम हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, तो इस वजह से ये यंग बोले जाते हैं। और ये जो अरावली रेंजेस हैं, इसकी हाइट इतनी बढ़ चुकी है, अब ये तो डेन्यूडेशन और ये सब की वजह से ना अब छोटे ही रह गए हैं अरावलीज वाले जो हैं आपके माउंटेन्स, ठीक है, अब इससे ज्यादा ही बढ़ नहीं रहे इनकी हाइट। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड ओपन डेफिकेशन फ्री ऑन विच डे, मतलब ओपन डेफिकेशन आई होप सबको पता होगा कि खुले में शौच नहीं करना, ये मतलब खुले में शौच कब से फ्री हुआ इंडिया इससे, 2 अक्टूबर 2019 में ये खुले में शौच ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया को डिक्लेयर किया गया, 2 अक्टूबर 2019। 2 अक्टूबर का और क्या आता है, महात्मा गांधी जी का बर्थडे भी होता है, ठीक है। सेकेंड थिंग, ये ओपन डेफिकेशन फ्री हुआ क्यों, पता होगा आपको, मोदी जी ने कौन सा इनिशिएटिव लिया था, टॉयलेट्स बनवाए थे हर जगह पे, तो उसके तहत ही फिर 2019 में जाकर ये इंडिया हमारे पूर्णतः जो है ओपन डेफिकेशन फ्री हुआ, जो मोदी जी की पहल थी टॉयलेट बनवाने की वजह से, ठीक है, घर घर शौचालय। चलिए नेक्स्ट उस पे चलते हैं। स्मृति मंधाना इज एसोसिएटेड विद विच गेम, स्मृति मंधाना जी जो हैं वो हैं आपकी क्रिकेट से एसोसिएटेड, ठीक है, शी इज एसोसिएटेड टू क्रिकेट। और अब ये जो है, ये आपको पता होना चाहिए, बैट्समैन है, लेफ्ट हैंडेड है। दूसरी चीज, 2013 में ये फर्स्ट वुमेन टू अचीव डबल 100 इन वन डे गेम, पहली वुमेन बनी थी जिन्होंने डबल 100 स्कोर किया था वन डे गेम में, आपको ये याद रखना है, स्मृति मंधाना, ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है ये क्रिकेट वर्ल्ड का, वुमेन्स क्रिकेट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फायरवॉल इन कंप्यूटर्स इज यूज्ड फॉर, फायरवॉल्स जो होती है कंप्यूटर्स में आपकी यूज होती हैं, वो बेसिकली यूज होती है कि कोई भी अनऑथराइज एक्सेस ना कर पाए, ठीक है, किसी भी प्राइवेट नेटवर्क से। आपकी फायरवॉल जो होती है ना कंप्यूटर में, ये वो करती हैं आपके कंप्यूटर में, ये बचाती हैं आपके डाटा को अनऑथराइज एक्सेस से, किसी भी प्राइवेट नेटवर्क से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सी सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी, अब आपको अलग अलग सॉल्ट के नाम दे दिए जाएंगे, तो जो सी से हमें मिलता है वो मिलता है आपको सोडियम क्लोराइड NaCl, जो आप अपना घर में नमक यूज करते हैं ना, व्हाइट वाला टाटा का किसी का, वो जो नमक होता है उसका केमिकल फॉर्मूला NaCl है, वो सोडियम और क्लोराइड दोनों चीजों से मिलता है, ठीक है, सोडियम प्लस सीएल माइनस। चलिए आई होप दिस इज इट, इतने ही क्वेश्चन हैं अभी, नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे और नए क्वेश्चन लेके आएंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडिंग।